Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adnan Khan and you are watching Students Academy YouTube channel. आज की इस वीडियो में आप लोगों को Microsoft Excel में illustrations tools के हवाले से information दूंगा कि illustration tools आप किस तरह use कर सकते हैं और इसमें हमारे पास कौन-कौन से commands मौजूद हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आसानी से मिल सके। तो इलस्ट्रेशन टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर सेकंड मेन्यू में मौजूद हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन टूल्स आप देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन टूल्स में सबसे पहला जो हमारे पास कमांड है वह है पिक्चर का, कि आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने पिक्चर पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देनी है। इंसर्ट कर देने के बाद आप पिक्चर्स के जो है वो सेटिंग्स करवा सकते हैं। ठीक है, इसको आप रिसाइज कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहां से भी ये रिसाइज करवा सकते हैं। यहां पर रोटेट, आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एलाइन जो है आप ये भी कर सकते हैं, बॉर्डर्स। ठीक है, आप पिक्चर का बॉर्डर भी रख सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट, ये पिक्चर इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, शेडो, आउटर एंड इनर। ठीक है, उसके बाद पिक्चर शेप, आप पिक्चर शेप जो है यहाँ से सेलेक्ट करवा सकते हैं और इसकी कलर जो है मैं ये ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, या ये वाला शेप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप जो है फ्रेम्स यूज कर सकते हैं पिक्चर्स के। ठीक है, कोई भी फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर, ये प्ले टू सेलेक्ट, और ये जो है कंप्रेस हो चुका। उसके बाद यहाँ पर आप चेंज पिक्चर, अगर इस पिक्चर की जगह आप कोई और पिक्चर लाना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पर क्लिक करके दूसरा पिक्चर सेलेक्ट करें और इंसर्ट करें। ठीक है, उसके बाद रिसेट पिक्चर, रिसेट पर क्लिक करके तो सारी कमांड जो आपने इस पिक्चर पर अप्लाई की थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद रीकलर, आप पिक्चर की को रीकलर करवा सकते हैं, इसकी अपनी ओरिजिनल कलर को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रास्ट, तो आप यहां से कंट्रास्ट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं और यहां से आप ब्राइटनेस भी ज़्यादा या और कम करवा सकते हैं। तो ये थी पिक्चर्स की ऑप्शन। दोबारा हमारे पास है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो रेडीमेड होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्लिप आर्ट चाहिए तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट कर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनिमल। तो ये सारे एनिमल जो है हमारे पास आ गए। आपने जस्ट इस पर डबल क्लिक कर देनी है तो ये इंसर्ट हो जाएगा। आपने इसकी साइज थोड़ा कम कर देनी है। और ये सारे ऑप्शन जो अभी हमने उस पिक्चर पर अप्लाई की थी ये सारे वो ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है शेप्स, तो शेप्स आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी शेप आप यूज करना चाहते हैं, लाइन, उसके अलावा ये जो है सर्कल आप यूज कर सकते हैं, इसकी अपनी सेटिंग्स आप करवा सकते हैं, कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, शेप इफेक्ट, इसके अलावा 3D रोटेशन। ठीक है, और फिल कलर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये
टेक्स्ट फिल, ये तो राइटिंग की है, टेक्स्ट बॉक्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारी शेप्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आपने जस्ट इंसर्ट करके ड्रा कर देनी है और यहाँ पर आपने कलर वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ये इफ़ेक्ट्स आप शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं। शेप इफेक्ट्स में 3D आप 3D रोटेशन ठीक है ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्मार्ट आर्ट, तो यहां से आप कोई भी स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट में आपने लिख देनी है ऑफिस ऑटोमेशन, टेक्स्ट टू में आपने लिखनी है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर में आपने लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है उसके बाद थर्ड पर आपने लिखना है और तो ये आप इस तरह यूज कर सकते हैं। इसकी मजीद आप यहाँ से चेंजेस करवा सकते हैं, सेटिंग जो है आप कर सकते हैं इसकी। ठीक है, चेंज कलर्स, आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप जस्ट क्लिक करके और इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप इसको किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं और इसको आप यूज़ करें, आप कलर जो है भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप राइटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलस्ट्रेशन टूल्स थी। ये बहुत डीप टॉपिक है, मतलब कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मौजूद है। आप अगर इसको वन बाय वन और देखें और ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें, इसको अप्लाई करें और इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत हेल्प देगी। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और 2-3 बार देखने के बाद इस पर जो है प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार। अगर उसके बाद कोई मसला हो, अगर कहीं पर भी आपको समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दें, और कोशिश ये भी करेंगे कि आपके क्वेश्चंस के मुताबिक हम कोई नई ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड करें और आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।